क्या कहते हैं क्या इसको? दाल पकवान। दाल पकवान तो राजस्थान का हम टेस्ट कर रहे हैं, दाल पकवान। इसमें आएगी दाल। ये कौन सी दाल बनी हुई है? ये मूंग की दाल। मूंग की दाल, दाल। ये नमक। नमक। इसमें मसाला। इसमें ये लहसुन की चटनी। लहसुन की चटनी। हाँ। टिक्का बनाऊं? नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल। ये बिना लहसुन का? बिना लहसुन का। फिर इसमें आएगा धनिया, फिर इसमें आएगा प्याज, फिर इसमें टमाटर, फिर इसमें नींबू। ये हो गया माल तैयार। ये माल तैयार। और ये 40 रुपये की प्लेट है। तो जैसा कि आपसे वादा था, इंडिया टूर में मैं आपको हर जगह का ट्रेडिशनल फूड खिलाने वाला हूँ। और यहाँ टेस्ट कर रहा हूँ मैं दाल पकवान। ये बेसिकली एक पापड़ है जिसके ऊपर दाल और मसाले प्याज पाकर परोसा जाता है। 40 रुपये की प्लेट। जैसलमेर में मैं ये टेस्ट कर रहा हूँ। ये पापड़ है, इन्होंने इस पे दाल पा के और साथ में ये आप देख रहे हैं गार्निश की हुई है मसालों की, लहसुन की चटनी, प्याज की चटनी बीच में डाली हुई है। तीखा मैं कम खाता हूँ, आप अगर तीखा खाने के शौकीन हैं तो आप तीखा भी खा सकते हैं इसको। ये देखो, हर जगह कहीं का भी आप ट्रेडिशनल फूड खाते हैं तो आपको मज़ा आता है, आनंद आता है। और इसीलिए कहते हैं इनक्रेडिबल इंडिया। भारत में कहीं भी जाओगे खाने का टेस्ट अलग है और अलग अलग बेहतरीन खाना मिलता है। जैसे मैं ये दाल पकवान खा रहा हूँ, टेस्ट अच्छा है। पापड़ बना हुआ है एक, उसके साथ दाल और मसालों के साथ परोसा जाता है। तो आप भी जैसलमेर आएँ मॉर्निंग के टाइम, इसको ज़रूर टेस्ट कीजिए और मेरे को भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। लेता हूँ अलविदा, मिलते हैं अगली वीडियो में एक बेहतरीन स्वादिष्ट डिश के साथ। बाय बाय दोस्तों।